हेलो स्टूडेंट, तो आज बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक के बारे में। थर्मोडायनेमिक क्या होता है? थर्मोडायनेमिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंजीनियरिंग से लेके 12th तक। तो हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक क्या होता है। तो भौतिकी में जो ऊष्मागतिकी होती है वो हमारे ऊष्मागतिकी दो वर्ल्डों से मिलकर बना है, ऊष्मा प्लस गतिकी। यानी जो हमारा है ऊष्मा, इसमें इस चैप्टर में हम ऊष्मा और उसकी गतिकी का अध्ययन करेंगे। अब थर्मोडायनेमिक की हम बात करते हैं उसकी डेफिनेशन के। तो थर्मोडायनेमिक के टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो 19वीं शताब्दी में इसके केवल दो नियम प्रतिपादित किए गए थे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। 20वीं शताब्दी में इसके दो नियम और दे दिए गए। पहला था ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम और दूसरा था ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये हमारा जो होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित होता है। इसमें कहा यह गया है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, जहाँ पे डेल्टा यू जो होता है वो हमारी होती आंतरिक ऊर्जा और क्यू जो होता है वो हमारा होती ऊष्मा और डब्ल्यू होता है हमारा निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो जो हमारी ऊष्मा होती है इसकी आंतरिक ऊर्जा होती है वो सिस्टम में हमारे हुए केवल परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकेंड नियम के बारे में। सेकेंड नियम क्या कहता है इसका? तो सेकेंड नियम के अनुसार किसी ऊष्मागतिकी चक्र को दी गई ऊष्मा उसकी संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। यानी 100% ऊष्मा को 100% वर्क में कन्वर्ट करना असंभव है। तो इस ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को काफ़ी भौतिकी विशेषज्ञों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो उनके मत के बारे में जानते हैं। तो पहला जिन्होंने दिया उनका नाम है प्लैंक कैनविन। तो प्लैंक कैनविन के अनुसार कोई निकाय जो किसी चक्र पर ऑपरेट कर रहा है तथा ऊष्मा को प्राप्त करके कार्य में परिवर्तित कर रहा है में ऊष्मा की हानि अवश्य होगी। दूसरा जो हमारे भौतिकी विशेषज्ञ ने दिया तो उनका नाम है क्लासियस। तो अब हम क्लासियस की भी डेफिनेशन जान लेते कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था ऊष्मा एकदम उच्च तापक्रम से निम्न तापक्रम की वस्तु में रूपांतरित होती है या ट्रांसफ़र होती है। तो जैसे कि हमारा डायग्राम दिया हुआ है बगल में, हम देख सकते हैं कि हमारे जो हाई टेम्परेचर है वो हमारे लो टेम्परेचर से जा रही है। तो अब जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारे फायर होता है वो चलता रहता है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चाय का कप। चाय के कप की आप जैसे कि हमारी फोटो बगल में देख रहे हैं, तो चाय की कप की जो ऊष्मा है वो हमारी एटमॉस्फेयर में जा रही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर की ऊष्मा है वो चाय में आ रही हो। तो ये बिल्कुल गलत है। तो यानी हमारी जो ऊष्मा उच्च तापक्रम से वो निम्न तापक्रम की वस्तु में हमेशा ट्रांसफर होती है। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की। तो तृतीय नियम हमारा ये कहता है किसी पदार्थ की शून्य परम तापक्रम पर एंट्रोपी शून्य होती है। इस नियम के द्वारा पदार्थ की एंट्रोपी परिवर्तन की परिभाषा को किया जा सकता है। अब एंट्रोपी क्या होती है तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एंट्रोपी जो होती है ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है जो ऊष्मा के परिवर्तन की संभावना को प्रकट करती है। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के सबसे महत्वपूर्ण नियम की, या यूँ कह लें ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम की। तो शून्यवाद नियम हमारे ऊष्मागतिकी का क्या कहता है? यदि दो निकाय तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो दोनों आपस में ऊष्मीय साम्य में होंगे। इसी सिद्धांत को ऊष्मागतिकी का शून्यवाद नियम कहते हैं। जैसा कि आप हमारे डायग्राम में देख रहे हैं तो हमारा ए बी और सी तीनों हमारे साम स्थिति में रखे गए। तो हमारे जो तीनों का टेम्परेचर होगा वो हमारा तब तक एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि तीनों साम स्थिति यानी इक्विलिब्रियम अवस्था में ना आ जाएं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक थर्मोडायनेमिक का। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आए। जिसको इसमें कुछ भी डाउट हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आके बता सकता है। और हाँ, जो भी इस चैनल पर नया है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।